बाणी च जो है नरोल सच है ये तुर दरगाह चो आई बाणी है तुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मटाई वाह वाह बाणी निरंकार है तिस जेवड़ अवर ना कोए इहदे बराबर कोई नहीं इहदे च नहीं असी रला नहीं करना और उस समय चंदू कहन लगा अच्छा फिर तुहानू आ दुख झलने पैने चंदू ने बंद करता कहना मेरी लड़की का रिश्ता प्रवान कर लो महाराज कहिंदे अपने वर्गा लभ लै गुरु घर नू मोरी दसदा अपने घर नू चबारा दसदा अपने वर्गा लभ सतगुरां नू कहिंदा महाराज मेरी इहदे विच बहुत तुहीन हुंदी है लोग कहिंदे ने महाराज ने जी लड़की का रिश्ता मोड़ता दवान चंदू की लड़की का रिश्ता कृपा करो मेरी लड़की का रिश्ता लै लो महाराज कहिंदे नहीं हो सकता संगत का बचन नहीं मोड़ सकते जंगीरां मिल लगियां महाराज मेरी मैं बहुत कुछ अपनी धी नू दाज देंगा महाराज कह लगे सानू दाज नहीं असी ते संगत दा बचन मनना जो मर्जी हो जाए असी तेरी लड़की दा रिश्ता नहीं लेना चंदू ने फिर व्यौंता बना बना के बादशाह दे कन भरे कह के महाराज बादशाह नू अपने घर गिरफ्तार गुरु अर्जन देव मर नू कराया महाराज नू गिरफ्तार किया कहिंदा शकन नू प्रशादा नहीं देना पीन नू पानी नहीं देना जे प्रशादा मंगन लख रुपया दे के फिर प्रशादा एक देना जे पानी मंगन गिलास पानी दा तां देना लख रुपया लैके महाराज कहिंदे ओ चंदू तेरे घर दा प्रशादा साडे वास्ते जहर तू कहिंदा तेरे घर दा प्रशादा लख रुपया दे के छक लिए ओ तेरे घर दा प्रशादा ते तू लख रुपया देवे असीं तां नहीं छकदे तेरे पापी दे घर दा प्रशादा नहीं छकना तेरे घर दा असीं पानी नहीं पीना जल नहीं असीं छकना महाराज ने जवाब देता महाराज नू अंदर बंद किया साध संगत एक जेल दे विच धन गुरु अर्जन देव महाराज चौंकड़ा मारिया होया जेल विच भी समाधि लगी हुई रब दे प्यारे ते जिथे बह जाण उहनां वास्ते कोई फर्क नहीं हुंदा मैं बेनती कर रहा सी तुहाडे चरणां च बाणी पढ़न नाल मन करड़ा इन्ना हो जांदा कि दुख भी सौखी लगदा महाराज जेलां च बैठे ने उहनां वास्ते ते उही आनंद है भावें जेलां च बैठे ने भावें जिथे मर्जी बैठे ने आनंद ही आनंद है बस गुरु अर्जन देव महाराज नूं तत्ती तवी ते बिठाया कहिंदा महाराज पहले दिन उबल दी देग पाणी उबालिया गया सतगुरां नूं कहिंदा इहनां दे विच बिठा दिओ महाराज कहिंदे तैनूं बिठाउण दी लोड़ नहीं असीं आपे बहि जांगे गुरु अर्जन देव महाराज आप उबल दी देग विच मार के चौंकड़ा बहि गए शरीर जेड़ा सी ना बिल्कुल पानी गर्म सी शरीर ते बड़ा दुख है पर महाराज चौंकड़ा मार के बैठे ने एक वारी भी सी नहीं आख्या क्यों नहीं आख्या कादी शक्ति है एक वाय एक डॉक्टर को इन्नी पावर है ध्यान देना एक डॉक्टर को इन्नी पावर है वो सानू दो चार पांच घंटे वास्ते साडे शरीर तो वख कर सकता ये पावर है डॉक्टर उहदे कोल ऐसी दवाई है जिहदे नाल ऑपरेशन करन समय मरीज जिहड़ा है वह चार पांच छे घंटे दस घंटे तक भी अपने शरीर तो परे हो जाता हुण अपने शरीर नूं कंडा भी वजे ते दर्द लगता है डॉक्टर ऑपरेशन करदा शरीर का चीर फाड़ हो रहा पता लगता ही नहीं क्योंकि डॉक्टर कोल ऐसी दवाई है जिन्हें शरीर तो चार पांच घंटे वास्ते सानू वख कर देना है एक ऐसा वैद है सतगुरु ऐसे वैद ने जिन्होंने नाम की दवाई देनी है ये कई कई जुगां वास्ते शरीर तो वख कर सकते हैं आखो सतनाम श्री वाहिगुरु नाम एक ऐसी दवाई है जिन्हें कई कई जुग बैठे रहो तो भी पता नहीं लगना जिवें गुरु गोबिंद सिंह महाराज चार जुग बैठे हेमकुंड एवें बह गए पिछले जन्म विच सन राजे भगती करके हजूर साहब की धरती से तप किया महाराज ने तप स्थान है हजूर साहब पहले जन्म का पिछले जन्म का तप करके इतों फिर महाराज हेमकुंड गए सी शरीर तो वक् हो गए जदों सिमरन ऐसी चीज है जिहड़ी शरीर तो वक् कर दिंदा गुरु अर्जन देव महाराज उबल की देग च बह गए वाहिगुरु जपदे ने अगला दिन होया तवी ते बिठाता महाराज नूं तत्ती तवी ते सीस विच पै रिहा रेता वह भी गर्म तवी भी गर्म जेठ का महीना भी गर्म चंदू का सुभा भी गर्म धन गुरु अर्जन देव महाराज फिर भी ठंडे क्यों शांति है इन्नी अंदर सिमरन असी हर समय तपते रहने जियो तपत है बारंबार तप तप खपे बहुत बेकार जै तन बाणी विसर जाए ज्यों पक्का रोगी बिल लाए आपां हर समय तपते
पर महाराज नहीं तपे। बड़ी शांति है, बड़ा आनंद है। आज जेठ का महीना पढ़ो धारणा, सतगुरां नूं तत्ती तवी ते बिठाता जे चंदू, ऐ चंदू जो मर्जी कर लै, जेड़ा बीजिया दिन वड़ना पैना। अज तत्तियां तवियां दे उत्ते बह गया सतगुरु, अज गुरु अर्जन देव महाराज तत्ती तवी ते समाधि ला के बह गया। वाली सारी दुनिया तत्ती तवी ते समाधि ला के बह गया, मालक सारी दुनिया तत्ती तवी ते समाधि ला के बह गया, मालक सारी दुनिया तत्ती तवी ते समाधि ला के बह गया, मालक सारी दुनिया तत्ती तवी ते समाधि ला के बह गया। ਦੀ ਲਾਲੀ ਉਹ ਚੰਦੂ ਸੀਸ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ ਗਰਮ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦੂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਾ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਨੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਚੰਦੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ। ਚੰਦੂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਓ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਦੇ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਧੀਏ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਪੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਜਾਓਗੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਇਓ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਐਡਾ ਪਾਪ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਜਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਹੈ ਬੜਾ ਲੰਮਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਚੰਦੂ ਨੇ ਕਰਮ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ? ਆ ਜੇਠ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਣਾ ਲਗਾਹਾ ਪੈੜਾ ਜੇਠਾ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਸੁਣਾਇਆ, ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉਬਲ ਦੀ ਦੇਗ ਚ ਬਾਲਿਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮੀਰੀ ਔਰ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਪੰਜ ਪਿਆਲੇ, ਪੰਜ ਪੀਰ, ਛੱਠਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰਭਾਰੀ,
अर्जन काया पलट के मूर्त हर गोविंद सवारी चली पीढ़ी सोडियां रूप दिखावन वारो वारी दल भंजन गुर सूरमा वड जोदा बहु पार उपकारी पुछन सिख अरदास कर शिव मैलां तक दर्श निहारी अगम अगोचर सतगुरु बोले मुक्ते सुनो संसारी कल युग पीढ़ी सोडियां निश्चल नीम उसार खलारी जुग जुग सतगुर धरे अवतार। महाराज छेवें पातशाह उस समय कहन लगे भाई गल सुनो चंदू नूं ते ए चंदू ने ए कर्म ते कीता तत्ती तवी ते बिठाया उबलदी देग च उबालिया हुण गुरु घर विच कल्ली माला नाल ही गल नहीं बननी श्री साहब भी जरूरी है। खुश सतनाम श्री वाहिगुरु। अज कई माला दा उपदेश देण वाले जिहड़े कहणगे शस्त्र नहीं चुकणा पर उंजो दस दस पहरेदार बॉडीगार्ड नाल रख दे एक गड्डी नाल हुंदी जिहड़ी रैफलां चक्कियां हुंदियां ने नाल उंज कहिंदे शस्त्र दी की लोड़ इनी शस्त्र क्योंकि हिफाजत वास्ते और शस्त्र जेड़ा है शस्त्र होना बड़ा जरूरी है पर शस्त्रां दी नमैश नहीं चाहिदी है। खुश सतनाम श्री वाहिगुरु। आस कृपान खंडो खड़ग तुबक तबर अर तीर साहिब सरोही सहथी जह हमारे पीर साडे पीर केड़े ने आ जिहड़ियां चार इटां रख के कबरां बनाई फिरदे पीर ने ए नहीं पीर केड़े ने शस्त्र साढ़े पीर शस्त्रा नू पीर रखे पर पीर जेड़े ने साध संगत पीर शस्त्रा नू मनना है पर शस्त्रा दी नमैश नहीं लाउणी शस्त्र है किते कौम ते पंथ ते भीड़ बने ते शस्त्र वरत्या जांदा है पर अज शस्त्र कई वरदे ने अपनी हिफाजत वास्ते बस पर नहीं शस्त्र वरते ते शस्त्र तलवार दे मगर विचार होनी भी बड़ी जरूरी जे विचार तो बिना तलवार वाह दोगे दुनिया का नुकसान करेगी कौम का वो कौम का नुकसान करेगी जड़ी तलवार विचार तो बिना चल जे तलवार होवे मगर विचार भी कम करती होवे ते गुरु दी विचार गुरमत अनुसार फिर गल बनदी। छेवें पातशाह ने श्री साहब चुकी भगती दे नाल नाल गुरु घर च शक्ति नूं लिआंदा माला दे नाल नाल कृपान चुक ली। महाराज कहन लगे हुण कल्ली माला नाल गल नहीं बननी जे माला नाल गल बनदी हुंदी मारन नूं तलवार चुकण दी लोड़ नहीं। महाराज कहिंदे तलवार दी वी लोड़ है पैणी है। हुण महाराज ने तलवार चुक ली छेवें पातशाह ने छेवें पातशाह मीरी और पीरी दे मालक धन गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज ने चिट्ठी लिखी एक कहिंदे चंदू तूं ते जिहड़ा कम करना सी कर दित्ता पर गल सुन ले असी तेनू माफ नहीं करना जेड़ा तू कर्म कीता ना हुण जो मर्जी कर ले तू साडे हथों बच नहीं सकदा। गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज कहन लगे चंदुआ जो मर्जी कर ले तू बच नहीं सकदा। चंदू ने चिट्ठी लिखी कहिंदा महाराज कृपा कर दियो मैं गलती नहीं कीती तुहानू एवें किसी ने वधा चढ़ा के कहता पहला तो मंगी माफी उपर ते माफी नामा है अद्धी चिट्ठी दे हिस्सा जिहड़ा उत्ते ते लिखी है माफी दे दिओ अद्धा थले चेतावनी लिखी है कहिंदा गल सुनो जां ते मेरे नाल रल जाओ मेरी लड़की का रिश्ता तुहाडे पिता ने प्रवान नहीं किया उहनां नूं शहीद कर दिता तुसीं प्रवान कर लो फिर तो ठीक है नहीं तो तुहाडा वी उही हाल होएगा मेरे नाल दुश्मनी ना लियो कि वेख्यो कि। गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज ने चिट्ठी लिखी चंदुआ जो मर्जी कर ला हुण नहीं बचदा तू साडे इहदा फल तैनूं मिलेगा जिहो जिहा बीज बीजिया उह तैनूं वढणा पैणा। चंदू डरदा है उहनूं पता है कि हुण मैनूं छड्डणा नहीं क्योंकि जे कर्म माड़ा कीता होवे फिर डर ते लगदा ही है जिहदे सारे कर्म जिहदा जीवन उच्चा सुच्चा होवे उहनूं कहदा डर है उह डरदा जिहदे विच कोई घाट होवे जिहदे विच कोई खामी होवे उह सदा डरदा रहिंदा उहनूं वहिम है जिहदी किसे नाल दुश्मनी ने उहनूं हथियार चुकण दी की लोड़ पई उहनूं लोड़ ही नहीं दस दस रैफलां दी उहनूं की लोड़ है जिहने किसे नाल टक्कर लई होई नहीं। पर साध संगत जी जिहदी दुश्मनी है जिहदा वैर विरोध उहनूं थां थां ते लोड़ पैंदी। हुण साध संगत चंदू डरदा है महाराज माफ कर दियो नहीं तो फिर वेख्यो तुहाडा वी उही हाल होएगा। महाराज कहन लगे कोई नहीं जो मर्जी कर लै हुण नहीं तू बचदा। चंदू नूं फिकर पै गया उहने जहांगीर बादशाह दे कन्न भरने शुरू कर दिते बादशाह सलामत
गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज ने फौजां रखणियां शुरू कर दित्तियां ने, घोड़े रखने शुरू कर दिते ने, वो एक दिन बादशाह ना बन जाण, फकीरां वाला ते काम ही नहीं उहनां कोल कोई। बादशाह जहांगीर ने गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज नूं अपने कोल सद्या, छेवें पातशाह जहांगीर बादशाह दे कोल गए। जदों महाराज जी लगे जाण, संगतां विच बड़ी बेहबलता आई है, महाराज अगे गुरु अर्जन देव महाराज गए, वह मुड़ के नहीं आए, हुण तुसीं चले हो, महाराज की पता तुहाडा उहने की हाल करना है। महाराज कहण लगे, फिक्र ना कलो करो, असी चले हाँ, असी चंदू दे नक च नकेल पा के लैके आवां। छेवें पातशाह ने वचन किया, कहिंदे फिक्र ना करो, उहदे नक च नकेल पा के लियावांगे। छेवें पातशाह फिर गए अमृतसर तो, बादशाह जहांगीर नाल वार्तालाप होई। जदों जहांगीर बादशाह ने महाराज दे चेहरे वल तकिया, हैरान हो गया, कलगी मेरे तो भी वध सोभदी है। छेवें पातशाह तेज बड़ा महाराज दा, अपने कपड़ियां वल वेखदा, कदी महाराज के कपड़िया वल वेखदा, कहिंदा महाराज दे ऐसे बस्तर। छेवें पातशाह दे बस्तरां वल वेख के हैरान हुंदा है, बादशाह जहांगीर हैरान है। फिर उन्हें कई सवाल पूछे, सतगुरां ने सही जवाब दिते, जवाब दिते जदों महाराज ने, ते जहांगीर बादशाह कहिंदा उत्तों उत्तों ही बादशाह वाला लिबास है, अंदरों ते फकीर ने, बाणा ही बादशाह वाला पाया, राजे जोगी ने। मजनू टिले ते मार ने नवास किया। अगले दिन बादशाह जहांगीर कहिंदा सच्चे पातशाह शिकार खेडण चलीए, मैं सुनिया तुसी बड़े तकड़े बहादुर योधे हो। महाराज कहिंदे चल। जदों गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज शिकार खेडण वास्ते बादशाह दे नाल गए, बादशाह घोड़े, बादशाह हाथी ते महाराज घोड़े ते, जदों सामने गए जंगल विच इक शेर आया। महाराज कहण लगे, बादशाह सलामत, असी सुनिया तुसी बड़े तकड़े शिकारी हो, शेर का शिकार करो। बादशाह हाथी लैके अगे गया, डरदा होया नेड़े जाके फिर वापस मुड़ आया, घोड़े ते गया, फिर घोड़े ते चढ़ के गया, जदों शेर बड़क मारदा फिर मुड़ आउंदा वापस, आके कहिंदा सच्चे पातशाह मेरी बहादुरी फिर वेख लांगे, तुसी अपनी बहादुरी विखाओ, डरदा ते खुद है। छेवें पातशाह कहिंदे फिर असी ठीक है। महाराज घोड़े तों थल्ले उतरे, पैदल चल के शेर दे सामने चले गए। महाराज नूं कहिंदा, महाराज पैदल जाण दी की लोड़ पई है, आप जी हाथी ते घोड़े ते जाओ। महाराज कहिंदे घोड़े ते गए ते की गए, असी पैदल चलना। सामने गए शेर दे, साध संगत जी शेर एक वारी आया महाराज उत्ते, झपट मारी उहने, ते सतगुरां ने खब्बे हथ हथ विच ढाल फड़ी है, खब्बे हथ दी ढाल नाल शेर नूं रोकिया, ते सज्जे हथ दी ढाल नाल वार कर दिता। पहले वार नाल ही धरती ते डिग पिया, डिगदे दी जान निकल गई। बादशाह ने जदों अखी करामात वेखी ते महाराज दा शरधालू बन गया। चंदू नूं फिकर पै गया, कहिंदा मैनूं ते इह सी वी किवें ना किवें दुश्मनी बने, पर इहनां दे ते बन गया प्रेम, ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਿਹਾ। ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਫੁੱਟ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਤੀ ਕਰਤੂਤ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਪਤਾ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਫਲ ਮਿਲਣਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੀਜਿਆ ਵੱਢਣਾ ਪੈਣਾ, ਜੇ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੀਜਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਨ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਭਲਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਪਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣੀ, ਭਾਈ ਲਓ ਕਰ ਭਲਾ, ਹੋ ਭਲਾ, ਅੰਤ ਭਲੇ ਦਾ ਭਲਾ, ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਿਓ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੇਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਦੇਣਾ। ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਭਲਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਰੋਜ਼ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 60 ਬਣ ਗਏ, ਸਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ। ਸੇਵਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਡਾਲੀ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ ਲਾ ਦਿਆ ਕਰੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹੀ ਭਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਆਈ ਤੇ ਆ ਜਾਣ, ਆਪਣੀ ਆਈ ਤੇ ਆ ਜਾਣ, 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਗਿਆ,
जाके कहिंदा बाबा जी जथेदार सी उन्हां दा ते ओ बड़ा अक गया लोकां तों क्योंकि लोग गालां वी कढ़दे ने जिहड़े बोरियां लैण जांदे ने ओ अक्या गया कहिंदा बाबा जी एवें घर घर मंगण भेज दिओ बड़ा दुखी हो गया कहिंदा जी इंज करो नोटां दीआं बोरियां भरियां पईआं ने इक मैनू चुका दिओ मेरा गुरद्वारा बण जाएगा जथेदार सी बाबा हरबंस सिंह कहन लगे कहिंदे गल सुण भाई नोटां दी बोरी तैनूं चुका देना इक की मेरे अंडर हजारां गुरद्वारियां दी सेवा चलदी है बाबा हरबंस सिंह कहिंदे एक दिन विच मैं सारिआं नूं माया दे सकदा दस दिनां विच सारे गुरद्वारे बन जाणगे दस दिनां दे विच सारे गुरद्वारे तैयार कर सकदे आं पर घर घर वास्ते क्यों मंगण भेजदे आं क्योंकि लोकां दा भला किवें होए बहाने नाल बोरी दे दिंदे आं आपां नहीं ते आपां ते इक रुपया कढ के राजी नहीं अपने आप ते नहीं हिस्सा पाउण वाले इत्थे मत्था ओह टेकना जिहड़ा नोट किते ना चले कहिंदे गुरद्वारे टेक दिओ चेपियां ला के जिहड़ा सारिआं तों पाटिआ नोट है ओह गुरद्वारे आपे ग्रंथी चेपियां लांदा रहेगा जां कमेटी चेपियां लांदी रहेगी सानूं की लोड़ आ हाल है साडा गुरु नाल ते प्यार इन्ना कहे बहाने नाल जे बोरियां आउंदियां ने ते बहाने नाल साडी सेवा हो जांदी कार सेवा वाले सेवा करवाउंदे ने सो साध संगत जी ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਡਾਲੀ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਦੋ ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੀਏ ਬੜਾ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਸਾਡੀ ਉਨੀ ਵੀ ਬਥੇਰੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬੇ ਨੇ ਦੋ ਦੋ ਲੰਗਰ ਦੋ ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਦੇਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਸੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਰੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮੰਗਣਾ ਮੰਗ ਲਿਆ ਕਰ ਅਖਾਣ ਜਿਹਾ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜਾ ਅਖਾਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰ ਭਲਾ ਹੋ ਭਲਾ ਅੰਤ ਭਲੇ ਦਾ ਭਲਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਇਹ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ ਕਰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਈ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜੋਗੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰੋਗੇ ਸਾਰੇ ਆਉਣਗੇ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਰਦੇ ਨੇ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਰਜਾਈ ਨੱਪ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਬਾਜ ਨਾਮ ਪਵੇ ਕੰਨ 'ਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਐਲਰਜੀ ਹੈ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਤਨ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਪੱਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਭੋਜਨ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਭਜਨ ਕਦੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕੀਰਤਨ ਕਦੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਸਤਸੰਗਤ ਕਦੇ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇੱਕ ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕ ਲੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮਨ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੌਲੀ 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 ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤੇ ਵੈ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਘੰਟੇ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਮਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ 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 ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਖੇਗਾ ਛਕਾਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕਦਮ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਰੰਗ ਲਾਗਤ 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 ਹੈ ਪਉ ਭਾਗਤ 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 ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਅਖਾਣ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬੀਬੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਰੋਜ਼ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਕਰੇ ਉਹ ਨਾ ਹਟਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਥੋੜ੍ਹਾ ਛੱਡਣਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੀਬੀ ਲੜੀ ਤੇ ਸੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਬਾਬੇ 'ਤੇ ਲਾਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ 'ਤੇ ਪਕਾਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣਾਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਲਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੈ ਜਾਓ ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਇਆ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਰ ਭਲਾ ਹੋ ਭਲਾ ਅੰਤ ਭਲੇ ਦਾ ਭਲਾ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਾਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਲੈ ਹੁਣ ਵੇਖਾਂਗੇ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਕੀ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗਏ ਡੇਰੇ ਆਪਣੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਲਓ ਭਾਈ ਆਓ ਛਕੋ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਬੜੇ ਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਵੇਖਾਂਗੇ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਕੀ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾਈ ਸੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਦੋ ਕਦੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਖੇਤੋਂ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਖਾਈ ਦੀਆਂ 'ਚ ਬਾਬੇ ਦੇ ਲੰਗਰੋਂ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਆ ਲੰਗਰ 'ਚ ਚੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਿਓ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਧਰੋਂ ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਉਧਰੋਂ ਦੋ
प्रशादियां दी वारी, दोनों प्रशादियां दी वारी, एक ओदे हाथ ते एक ओदे हाथ रख दिता। लै भई एक एक दोवां ने छकिया, छकण दी देर सी, जहर ने असर विखाउणा है, विखाउणा ही विखाउणा है। इसे तरह शराब पियोगे तो शराब ने भी अपना असर विखाउणा है। जिन्ना मर्जी कोई कवे कई लाचियां जिहा खांदे ने ना पता लगे, पर पीती दा तो पता लग ही जाना। जो मर्जी कर लो लत्तां ओही ने तुरन च फर्क पै जू, अखां ओही ने झाकण च फर्क पै जांदा, वेखण च फर्क पै जांदा, जबान ओही हुंदी है पर फिर फर्क पै जांदा बोलण च, क्योंकि जदों अंदर गई है तो उन्हें अपने आप बोलना है। जिन्ना मर्जी लुको लो लुकदी नहीं, जो मर्जी कर लो पता लग जाता भी पीती हुई। शराब ने अपना असर विखाउणा है, इसे तरह अमृत ने अपना असर विखाउणा है। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। अमृत ने असर विखाउणा है अपना, अमृत छकिया होवे छकण तो पहला लंघोगे दूजे पाए दी लंघदे लोग, जो लंघेगा ना श्री साहब पाई होएगी दाड़ा प्रकाश होएगा उपर दी गात्रा है, जिथों लंघेगा लोग हाथ जोड़नगे आखणगे आओ जथेदार जी की हाल सत्कार है। लोक विच भी ते परलोक विच भी, इत्थे ही नहीं अगे भी है, दोवां जहाना विच सत्कार है उन्हां दा। जहर ने असर विखाया, दोवें मुंडे तड़फदे ने जाके दाता माता तेरे मुंडे मर चले ने, जा वेख जा। आई माता भज के, की हो गया? कहिंदे पता नहीं किहड़े ने जहर दे प्रसादे भेजते, बाबा किहड़ा आप पकाउंदा, गए ते पिंड चों ही ने। उस समय वह बीबी अपने मुंडिया को नहीं गई, वैद कहिंदा हुण नहीं बचदे, बस घड़ी दो घड़ी दे प्रौणे ने, सद लो मां नूं मूंह च पानी पा दे, आख सद लो जांदी आरी कोई गल कर ले। कहिंदे हुण मैं, वैद ने जवाब देता असीं नहीं बचा सकते, ध्यान दिओ वैद कहिंदा असीं नहीं बचा सकते। मां वह बच्चियां को नहीं गई, पहला गई कहिंदी मैं उन्हां महापुरखां नूं मिलना है। हुण महापुरख कहिंदी है, जदों जाके हाथ जोड़े कहिंदी बाबा जी मेरे बच्चियां नूं बचा दिओ, माफ कर दिओ। कहिंदे बीबी गलती की होई है, तू कातों माफी मंगदी, बच्चियां दा हाल वेख जाके। कहिंदी बाबा जी ओ जिहड़े जहर दे प्रसादे ने होर नहीं किसे ने, मैं ही भेजे सी। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। माता तैनू किन्नी वारी कहा सी, पर हुण जिहड़ा बीज बीजिया उह ते वढणा पैणा है, फल तेरे कर्मां दा। हाथ जोड़ दी कहिंदे बाबा जी मैनूं पता है तुसीं कोई कृपा करो, जो मर्जी होवे मेरे दो ही पुत्र ने, घर दा दीवा जगदा रहना चाहिए, कृपा कर। कृपालू दयालु महापुरख कहिंदे चल भाई असीं ते अरदास ही कर सकदे आ ना सतगुरां दे चरणां च। संगत इकट्ठी कीती, अरदास कीती, इन्हां नूं इक बंदा भज्जिया आया कहिंदा भाई माता बच्चे खतरे तो बाहर ने। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। दोवें बच गए, पर कर्म का फल आ गया ना सामने, इसे करके जैसा बीजेगा वढ़ेगा मना मेरे वाहेगुरु, फल तेरे करे Thank you.
बीजै सो लुणै करम संदड़ा खेत। जेड़ा बीज बीजिया होवे ना वो सतसंगत वढ़ना पैंदा। ध्यान दिओ जरा सुरती जोड़ के रखिया करो। जेड़े उठ के जांदे ने उते थक जांदे क्योंकि लत्तां दुखदियां ना बैठिया दियां। जेड़े आपां जेड़े एक बहन आले ने वह भी आले दुआले वेखण लग पैंदे वेखो भी किहड़े किहड़े चले ने। उहनां दे भागां च इन्ना कु चिर लिखिया होया है उहनां नूं बहुता स्वाद नहीं थोड़े ठीक हो प्रशादा जिवें चंगा लगता उही हाल है। अजे थोड़े घट ठीक ने जेडे थोड़ा चिर बह के फिर लत्तां दुखण लग पैंदियां छेती छेती। कई बड़ा खराब करते हैं काम। पहला तो कहणगे अगे बहना है विचाले फस के बहणगे। जदों घंटा क लग जाए ना फिर उठ के जाणगे विचाले। कईयां नूं पासे मार दे कईयां नूं हथ लाउंदे भी जे तू उठ की जाना सी ते दूजियां दा ही सवाद खराब करना सी अगे बह के। बाद चा के कईयां नूं हथ लाउंदा जा रहे हैं सारी सुरती दा संगत दा ध्यान खराब हुंदा रहिंदा। मैं कई बारी दवां च बेनती कीती है जे बह जाओ ना ते डट के बैठो मन जोड़ के चौंकड़ा मार के दो तीन घंटे गोलियां चलदियां रहियां। कई ते हथ खड़े करके आ गए हरिमंदर साहब 84 वेले। कईयां ने चौर नहीं छड्डिया आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। गोलियां चलदियां च भी बैठे रहे ने भुखे भी पानी भी नहीं पीता प्रशादा भी नहीं छकिया। तीन दिन लगातार तीन चार प्रेमी जड़े मरदे आले दुआले इंज हथ पा के बैठे गोलियां भी लगी परवाह नहीं कीती। इत्थे पांच चार मिनटां पिछों कदी पानी दे बहाने निकल गए कदे प्रशादे दे बहाने निकल गए कदी किवें कदी किवें बैठे रहा करो। डट के गल्लां ही करनियां हुंदियां साडे फलाणियां ने बड़ियां कुरबानियां कीतियां फलाणा साडा होया उहने जान वारती उह फलाणा उबल दी देग च उबालिया गया तत्ती तवी ते बह गया। उह तूं दो घंटे भी नहीं बह सकदा आपां की करांगे। गल्लां ही करनियां हुंदियां सिर्फ साडी कादी कुरबानी। सो दो घंटे बह के कुरबानी वालियां दा जीवन ते सुन लईए असीं सुन भी नहीं सकदे। इस करके जदों बैठो ना ते मन जोड़ के बैठिया करो और सारी संगत एकाग्रता बना के। बाकी नवी संगत है कईयां नूं पता नहीं इलाका नवां है तां वी हुंदा कई वारी उधर तुसीं संगत विच आउंदे हो ना कई वारी पटियाले इलाके विच ते जिन्नी मर्जी संगत होवे इक बच्चा भी नहीं हिलदा जिन्नी मर्जी संगत। इस करके एकाग्रता बना के रखिया। हुण साध संगत जिहड़ा बीज बीजिया होवे ना वढ़ना पैंदा फल ते मिलदा है। लियाओ सुरती उत्थे ही चंदू कहिंदा है भी मैं ते सतगुरां नूं सद्दिया सी छेवें पातशाह नूं भी जहांगीर बादशाह नाल किवें ना किवें कोई गल बणे महाराज दी दुश्मनी पै जाए पर इहदे प्रेम बण गया। जहांगीर बादशाह ते सतगुरु शिकार खेडण जांदे ने इकट्ठे इहनां दा ते आपस च प्रेम बहुत बण गया। चंदू नूं दिन रात फिकर पिया होया उह डरदा है किते मैनूं खतम ना कर दे। समा लंघदा गया चंदू गया एक काजी कोल। काजी मुलाने हुंदे ने उस वेले इस्लाम धर्म विच नजूमीए कोल मुसलमाना विच नजूमियां कहिंदे ने पुछिया देण वाले नूं जिहड़ा पुछिया देंदा होवे जिहड़ा वहमां च पाए ते हिंदू कहिंदे ने उहनूं आपां जिवें पंडित कह दिंदे आ। पंडित विद्वान का नाम है। कई ब्राह्मण बड़े सियाने होणगे पंडित पर कई वहमां च पाउण वाले भी मिलदे ने जिहड़े बड़े तरह के भरम पैदा कर दिंदे ने ते साडे सिख धर्म विच उहनां नूं कहिंदे ने सियाने कि फलाना बड़ा सियाणा है उहदे कोल चलो पुछिया लैके आईए आ कम करना है कि नहीं करना फलाने कोल चलो धागे तवीतां वाले वहमां भरमां च पाउण वाले उह सी नजूमियां। चंदू नजूमीए नूं मिलिया कहिंदा 500 सोने दी मोहर देंगा ध्यान देना मैं तेनूं 500 सोने दी मोहर देंगा। बादशाह दे कन्नां च इह गल कह जा के बादशाह दे कन्न भर तेरे तों मन तेरी मन वी लएगा ते डरेगा भी जरूर। तूं बादशाह नूं इह गल कह जा के भी तेरे ते साड़ सती आई हुई साड़ सती किवें टलेगी। बादशाह तेनूं पुछेगा भी दस साड़ सती किवें टलेगी। काजिया उह नजूमिया तूं इह गल कहनी है साड़ सती तां टलेगी कोई राजा जोगी होवे हाहा नाम दे अगे लगदा होवे
कलगी लाउंदा होवे उहनूं लोक मत्थे भी टेकदे होण। ओह ग्वालियर दे किले विच बह के 40 दिन तेरे वास्ते जाप करे ते तां साढ़ सती टलेगी, बाकी कहिंदा मैं आपे संभाल लवां। नजूमिया हाथ च किताब फड़ के लालची बन गया, भैड़ा जिहा मूंह बना के बादशाह कोल चलिया गया। बादशाह जहांगीर कहन लगा नजूमिए नूं, कहिंदे जी की हो गया, बड़ा अज फिक्र पिया, उदासी है तुहाडे चेहरे ते। नजूमिया कहन लगा बादशाह सलामत की दसां, तुहाडा फिक्र मार मार मारी जांदा मैनूं। कहिंदे फिक्र कहदा, कहिंदे तुहाडे ते साढ़ सती आई है। बादशाह कहिंदा साढ़ सती? कहिंदे हां जी साढ़ सती आई है, बड़ी औखी टलेगी। कहिंदे जी टलेगी किवें? कहिंदे जी साढ़ सती आई है, बचण दा हीला कोई नहीं, इक्को ही तरीका है, हा हा नाम अगे लगदा होवे, कलगी लाउंदा होवे, लोक मत्थे भी टेकदे होण, ओह तुहाडे निमित 40 दिन ग्वालियर दे किले च बह के जाप करे तां साढ़ सती टल सकदी। बादशाह ते डर गया, कहिंदा मर ना जावा किते, इहो जिहा किहड़ा जिहड़ा 40 दिन जाप करे। चंदू कोल ही खलोता, कहिंदा जी गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज, नाले राजे भी ने, जोगी भी ने, लोक मत्थे भी टेकदे ने, उहनां नूं बेनती करो 40 दिन ग्वालियर दे किले च जाप कर देण, साढ़ सती टल जाएगी। बादशाह खुश हो गया, चंदू नूं नाल लै के महाराज दे कोल मजनू टिल्ले पहुंचिया। कहिंदा सच्चे पातशाह किरपा करो, मैनूं अज नजूमीए ने दस्सिया भी साढ़ सती मेरे ते आई है बड़ी तकड़ी, मैनूं तुसीं बचा सकदे हो, होर कोई होर नहीं कोई बचाउण वाला। महाराज कहिंदे की गल हो गई? कहिंदा सच्चे पातशाह साढ़ सती आई है ते मैनूं किरपा करो बचा दिओ, ग्वालियर दे किले च बह के 40 दिन जाप करो। महाराज हसण लग पे, वो कहिंदे साढ़ सती ते जिहदे ते आई है ना हुण आ की रहेगी। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। ओ जो मर्जी कर ले साढ़ सती नहीं टलती, बादशाह तेरे ते ते नहीं आई, पर जे तू कहिंदा ते जाप भी कर देंगे कोई गल नहीं, 40 दिन तेरे वास्ते जाप कर देंगे, पर साढ़ सती ते हुण आउणी ही आउणी है। चंदू कोल खलोता, थोड़ी थोड़ी गल समझ भी पैंदी है, झोरा खा रहा, मन नूं डरदा भी है, पर हुण करे की? अजकल भी कहणगे तेरे घर च कुछ नप्पिया होया, फिर कढ दे रहो, सारी जिंदगी पाता वहम च। कोई आया मर दे चरणा विचों वहम कढ़ने ने कि वहम पाउणे ने? कई इत्थे वहम पा दिंदे ने, तेनू कुछ कराया होया, तेनू कुछ खवाया होया, बस पै गया वहम। पैसे कढ़ाउण दा तरीका है आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। चंगे ड्राइवर नूं पता है भी गड्डी किवें चलाउणी है, किहड़ा गेयर कदों पाउणा, क्लच कदों दबणा, रेस कदों लप्पणी। मेरे वर्गे नूं फड़ाओ कंध च मारू गड्डी, उही चलाएगा जिहड़ा ड्राइवर है, उहनूं तरीका है। चंगे जिमीदार नूं पता रेह कदों पाउणी है, पाणी कदों लाउणा है। इसे तरह इन्हां सियाणियां नूं भी पता हुंदा भी किहड़े नूं किवें ठगणा, किहड़े नूं किवें ठगणा। उहनां कोल तरीके बड़े ने, बड़े ढंग ने, इहनां कोल बड़े तरह के तरीके वरतदे ने। इत्थे पिछे जे इक तुहाडे बठिंडे इलाके च सी, उह कहिंदे बाबा जी ने आखे जी फलानी तरीक नूं मर जाणा। बाबा जी कहिंदे मेरा ते अंत समां आ गया, मैं फलाने तरीक नूं मर जाणा। साडे उधरों पटियाले इलाके विच्चों भी भर भर ट्रालियां ट्रक आए संगरूर इलाके चों भी, बाबा जी ने ते फलानी तरीक नूं मारी जाणा, दर्शन कर लो पहलां पहलां जिहड़े करने। जिन्हें 10 रखने वह भी 100 मत्था टेकया करे, भी मारी जाणा, टेक लो मत्थे जिहड़े टेके जांदे। बाबा जी बैठे रहे, हुण तुहानूं पता है कई रोण लग पईआं बीबियां, बाबा जी सानूं छड के ना जायो, हुंदा ही है प्रेम, छड के ना जायो जी। बाबा जी नूं वेख्या भी 2 महीनिआं दे विच लखां रुपया इकट्ठा कर लिया, भर गईआं तिजोरियां, लोक मत्थे टेकदे ने भी फलानी तरीक नूं मर जाणा। जिदन आ गया दिन नेड़े, उदन बाबा जी भोरा च वड़ गए, भोरे च वड़ गए, बड़े लोक इकट्ठे होए भी बाबा जी ने मर जाणा। विच कईआं ने कहना ही सी बाबा जी सानूं छड के ना जायो, उह भोरे दे विच वड़े भाई लाश चुक्कियो ते संस्कार कर दिओ। 2 बजे शरीर छड्डणा सी, 4 बजे बाबा जी फिर बाहर। वह कहिंदे बाबा जी की हो गया तुहानूं, तुसीं ते मर जाणा सी। वह कहिंदे भाई मर ते जाणा सी,
पर संगत की बेनती इन्नी सत्थों रोई रोंदी संगत झली नहीं जाती इस करके हुण पंज साल बाद जावांगे आखो श्री वाहिगुरु हुण पंज साल कम चलता रहना सोहणा इहो जिहे पखंड बड़े ने मार के माड़ा जिहा ना सिर चार क वारी घुमा के की हो गया बस जी बस बाबा दीप सिंह आ गया वह बाबा दीप सिंह तेरे च ही आना सी एडे वड्डे शहीद जिन्हां ने देश कौम तो जाना वारतियां अज कल दे ए पखंडी लोग अपनी दुकानदारी चलाउण वास्ते उन्हां नूं वी 84 दे गेड़ च पा दिंदे ने आखो सतनाम श्री वाहिगुरु बाबा दीप सिंह आया कई कहणगे मेरे च शहीद सिंह आउंदे ने मैं कई बार बेनती की भी मैनू मिलाओ खां कोई जिहड़ा कहिंदा होवे मेरे च शहीद सिंह आउंदे ने बाबा दीप सिंह आउंदा कोई कहिंदा छोटे साहबजादे आउंदे ने बड़े तरह दीआं लोक गल्लां बणाउंदे ने पर बणाउंदे ने उहनां वा उहनां सामणे जिहड़े इहनां दे जाल च फस जाण बड़े बड़े पढ़े लिखिआं नूं फसा लैंदे ने ट्रिपल एम ए करी फिरदा हैगा सियाणे बाबे दा चेला फिर तेरी पढ़ाई कित्थे है नहीं नहीं जिहड़े पढ़े लिखे ने जिन्हां ने गुरमत की विद्या पढ़ी है ना वो ते भुल के भी इन्हां दे मगर नहीं लगते उन्हां नूं पता है ये सब पखंड है कुछ नहीं पले वो सब जानते ने नजूमीए ने कहता कहिंदा साढ़ सती आई है वो कहिंदे भी साढ़ सती टलेगी तां जे सतगुरु जाप करनगे महाराज कहिंदे जाप ते करांगे साढ़ सती ते आके रहनी है जो मर्जी कर ले चंदू महाराज अंदर बंद करते ग्वालियर दे किले च जदों महाराज ग्वालियर दे किले च गए ग्वालियर दे किले च रौनकां लग गईआं महाराज रस्तां दे नाल संगतां रस्तां भेजदियां ने रस्तां दे नाल उहदे नाल देग बणदी है अंदर कीर्तन हुंदा है जिन्ने राजे बंद सी ना 52 सारे जाप करदे ने सिमरन करदे ने राजिआं नूं वी महाराज ने भगत बना दित्ता 40 दिनां च भगत बण गए सारे दे सारे ते चंदू ने दरोगे नूं मिलिआ कहिंदा महाराज नूं अंदर अंदर खत्म कर दे माया बड़ी देंगा खुला गफा मिलेगा दरोगा नहीं मनिया चंदू की उत्थे वाह नहीं सी नहीं तेने अंदर मरन खत्म करवाना पर आपदा समा आ गया सात संगत कर्म का फल मिलना 40 दिन लंघ गए बादशाह चंदू ने याद ही नहीं आन दिता चंदू ने बादशाह याद ही नहीं आन दिता भी महाराज बाहर भी कढ़ाउणा आखिरकार भाई जेठे वर्गिया ने फिर रात को शेर बन के गए जदों छाती ते रखिया ना पैर बादशाह जहांगीर डर गया कहिंदा पता नहीं साढ़ सती हुई आ गई आवाजा मारदा सच्चे पातशाह बचा लो आवाज आई कहिंदे बादशाह सच्चे पातशाह नूं जेल च बंद किया होया कल नूं बाहर कढ़ा दे नहीं तो कल नूं तेनूं खत्म कर देंगे सवेरे ही बादशाह ने हुक्म किया कहिंदा छेवें पातशाह नूं कहो बाहर आ जाए ग्वालियर दे किले च हुण आ गया ना चेता कहिंदे आ जाण बाहर महाराज लगे जाण जेड़े ग्वालियर दे किले विच रहण वाले राजे कहन लगे महाराज जे सानू छड़ के जाना सी फिर आउणा कादे वास्ते सी जे आए हो ना ते सानू भी नाल लैके चलो महाराज ने उहनां दा प्रेम वेख्या कहिंदे अब्बल ते जांदे नहीं जे जावांगे ते तुहानू लैके जावांगे बादशाह नू कह दिओ असी बाहर नहीं आउणा जे आवांगे ते 52 दे 52 राजिआं नू बाहर लैके आवांगे 52 राजे बाहर लैके आवा उस समय सत संग जी बादशाह कहन लगा भी इन्हां नूं ते मैं नहीं कट सकता क्योंकि इन्हां नूं मसां गिरफ्तार कीता कल्ले कल्ले नूं तुसीं कल्ले बाहर आ जाओ महाराज कहिंदे नहीं व्यौंत बनाई कहिंदे जिन्ने राजे महाराज दीआं कलियां फड़ के बाहर आ जाणगे ना चोले दीआं उह आ जाण बाकी अंदर रहिण महाराज नूं पहलां पता सी सतगुरु पहलां ही 52 कलियां वाला चोला पाई बैठे ने आखो सतनाम श्री वाहिगुरु पहलां ही सवाया होया सी पहलां 52 कलियां वाला सवा के रखिया सी जदों हुक्म आया महाराज ने चोला पाया कहिंदे फड़ लो एक एक कली सारिआं ने फड़ लिआ सारे ही राजे बाहर आ गए 52 कलियां वाला चोला कढ़ाणी साहिब पिआ कढ़ाणी राड़ा साहिब दे कोल है नाल ही है पिंड उत्थे वो चोला पिया हुण उहदे आपां दर्शन ते करांगे पता ते लगदा वी चोला है पर उत्थों दा ग्रंथी आया नवा पहलां ते बिल्कुल कली 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 भी गिणी जा सकदी सी उहने सोचिआ वी चोला पुराणा हो गया चंगी तरह धो दईए उहने पा के टब च सर्फ ते विच डबोता सारा ही ओह फिर खिलर गया पता ते लगदा वी चोला पर हुण गिणिआ नहीं जांदियां कलियां नहीं गिणिआं जांदियां उहने अपनी सियाणप वरती धोता चोला सारा
ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇੰਜ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਪਰ ਕੱਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਕਲੀ ਗਿਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਧੋਤਾ ਸੀ ਜੋੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 52 ਰਾਜੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗਵਾਲੀਅਰ ਜਾਓਗੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜਾ ਸਾੜ ਸਤੀ ਨੇ ਰਾਤ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਿਮਰਨਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿਮਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਲਾ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸਿਮਰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿਮਰਨਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 108 ਮਣਕੇ ਦੀ ਮਾਲਾ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਮਾਲਾ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਇਹਦੇ ਘਰ ਪਈ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਦੂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਮਾਲਾ ਪਈ ਹੈ ਚੰਦੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਲਾ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਦੇਣ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੇਖ ਲੈ ਤੇਰਾ ਚੰਦੂ ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਮਾਲਾ ਹੈ ਚੰਦੂ ਝੂਠ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮਾਲਾ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਅਸੀਂ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਆਪਣਾ ਤੂੰ ਭੇਜ ਫਲਾਣੀ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਈ ਮਾਲਾ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੀਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਗੁੱਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ 'ਤੇ ਪਸ਼ਚਾਤਾਪ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਚੰਦੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ 'ਤੇ ਬਹਾਇਆ ਸੀਸ 'ਚ ਰੇਤਾ ਪਾਇਆ ਉੱਬਲ ਦੀ ਦੇਗ 'ਚੋਂ ਬਾਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਲੋ ਲੈ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤਰਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਵੇ ਕਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਲਾ ਲਈਆਂ ਮਜਨੂੰ ਟਿੱਲੇ ਲੈ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਬਸ ਵੇਖਣ ਸਾਰ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਬੜਾ ਕੁੱਟਿਆ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਲਿਆਂਦਾ ਲਾਹੌਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੇ ਮਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੱਕ 'ਚ ਨਕੇਲ ਪਾ ਲਈ ਨੱਕ 'ਚ ਨਕੇਲ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਚੰਦੂ ਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਨਕੇਲ ਪਾ ਕੇ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਚੰਦੂ ਆ ਉਹੀ ਗਲੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ ਬਸ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰਵਾਵੀ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜੂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰਵਾਵੀ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜੂ ਕਿਤੇ ਮੱਥਾ ਨਾ ਫਕੀਰਾਂ ਨਾਲ ਲਾਵੀ ਔਖਾ ਦੇਣਾ Yeah.
वेख्यो किते मथा ना लायो लोकां नूं समझाउंदा जा रहा है। चंदू लहो लहान होया लाहौर दीआं गलीआं विच नक च नकेल पाई है। उसे भट्ठी दे कोल पहुंच गए जिथों भट्ठी तो इन्हें रेत लजा के मरदे सीस च पाई ओही भट्ठी आ गई। भट्ठी वाला कहिंदा ठहर जाओ जरा ठहर जाओ रुको रुक गए। कहिंदा थोड़ा जा हिसाब किताब मैं भी कर ला खुसतना श्री वाहेगुरु। कहिंदे तेरा हिसाब किताब काहदा है? कहिंदा महाराज इस पापी ने मैनू आखिया सी कि सतगुरां दे सीस विच भर भर गर्म कड़छे रेत दे पा जे नहीं पाएगा तेरा सारा परिवार कोलू पीड़ देंगा डरदे नूं पाउणे पए। महाराज मैं भर भर कड़छे रेत दे सतगुरां दे सीस विच पाए पर पाए इहदे कहण ते इहदे नाल हिसाब किताब करना है। उही कड़छा लै आंदा जिहदे नाल सतगुरां दे सीस च रेता पाया। पता सी चंदू नूं भी इही मेरी मौत दा कारण बणेगा उही कड़छा आ गया। सतगुरु कोल ने सारे गुरसिख प्यारे नेड़े खलोते ने चंदू लहो लहान अद मोया ते गई सी उन्हें ओही कड़छा लिया सारा ही गुस्सा लात बट के जोर नाल कड़छा चंदू दे सिर च मारिया खोपड़ी दो टोटे हो गई। बोले मिल गया ना फिर कर्म का फल। जे बीज बीजिया ते वढ़ना पिया जे दुख मिलदा है ते कर्म का फल है। ये नहीं कहना मारा कट दियो सच्चे पातशाह दुख देना है ते दुख नूं झलण दी ताकत दियो दुख सुख वर्गा महसूस हो। चंदू ने कर्म किया ते फल चंदू नूं भोगना पिया। राजे दशरथ ने सरवण भगत नूं मारिया सी माता पिता नूं वहंगी च चुकी ले जांदा है। अन्ने माता पिता जांदे जांदे कह गए ओ दशरथ अज सानू साडे पुत्र दा विछोड़ा पिया सानू पिया रोना पर याद रखी एक दिन तेनू भी पुत्र दे विछोड़े च रोना पैना। ओ जे कर्म दा फल ते राम जी त्रेते युग दे अवतार उन्हां दे पिता राजे दशरथ नूं भोगना पै गया असी किहड़े बाग दी मूली सानू नहीं मिलेगा। पापा दे खलवाड़े बदे ना धर्म दी बदी मूली समस्त बरेज दी खल लहाई मनसूर चढ़ाया सूली सूली ओ इत्थे वड्डियां वड्डियां दा आ हाल होया तू केड़े बाग दी मूली। सो इस करके आओ फिर संभालिए वेला जे कर्म कीता ते फल भोगना पैना। साध संग जी अज बड़े चौड़े हो दाज मंगदे आ गल दाज तो थोड़ी अगे वध गई। कर्म जे अज बीज बीज रहे हैं ना ते कल नूं पोतरियां दो त्रियां साडियां भी होणियां। की हो गया जे धीआं नहीं की हो गया जे भैणां नहीं तेरियां आएगा समा। सो इस करके भैड़ी बीमारी ना मुराद बीमारी इत्थों बचो भाई इहने सब कुछ खत्म कर देना। फरीदा लोड़ा दाख बजोरियां किकर बीजा जट अंडा उन कताए दा पैंदा लोड़ा पट। सो जे बीज बीजिया वढ़ना पैना जे बीज किकरां दे बीजे ने दाखां कित्थों मिल जाणगियां किकर ही मिलने ने फिर सूला ही मिलणगियां। जे कर्म चंगे कीते ने फल भी सुख मिलेगा। सो आओ कल नूं लगना पता ये शुरुआत है अमृत छकना शुरुआत है गुरु घर च दाखला लैना बड़ा जरूरी। सो कल नूं अमृत दा बाटा तैयार हो गया तुहाडे सारिआं दे चरणां च बेनती है कि इकट्ठ बहुत है संगत दा कोई हिसाब नहीं बहुत संगत है पर आनंद फेर है कि आप वध तों वध संगतां अमृत छकण वास्ते भी आपो अपने मन बनाओ फिर ही फायदा है संगत करन दा। सो महाराज की कृपा नाल कुछ 250 प्राणियां दे नाम आए ने अमृत छकण बोले ढाई सौ दे नाम आए ने ते मैं कल भी बेनती कीती सी परसों कपूरथले अमृत संचार होया 1100 प्राणी। सो इत्थे भी कृपा होवे उत्थे भी बहुत संगत सी पर इत्थे उदू भी वध संगत पहुंच के सारे जिवें लाहा लै रहे हो ते अमृत छकण वास्ते भी मन बनाओ।
बड़ी ढिल करते ने कई। हुण मैं ते रात भुलेखे च सी, अज मैं सोच रहा सी कि साढ़े पंजाब नालों इत्थे दाड़ियां ज्यादा दे रखियां होईयां ने। मैं गल करदा सी, मैं कहा भी इह केस दाड़ियां बहुत रखियां होंदियां ने, पर मैनू नहीं सी पता रखियां वाली अगे बहिंदे ने, बाकी ते बहिंदे ही नहीं इत्थे नेड़े। जिहड़ी दूजी कांग आ रही है ते छेती छेती अगे आउंदे ही। जदों फिर मैं अज घरां च गया चरण पाउण वास्ते, उत्थे बस फिर लगभग जिन्ने देखदे सी उह विरले विरले रखी वाले, बाकी सारी दूजी उह फिर ओले हो बहिंदे ने जां नीवे हो बहिंदे ने। पर गुरमुखो होर किते भावें सिर शर्म नाल झुकाउणा पै जाए, पर गुरु की हजूरी वे सिर उच्चा करके बैठो। जिहड़ी गल तो शर्म मनदे हो, जिहड़ी गल तो कन्नी कतराउंदे हो, वह गल का खेड़ा ही छड्ड दिओ। मेरी बेनती है मार दे चरणा च आयो ते अरदास करके जायो, महाराज हुण तुहाडे कोल आ गए, हुण नाई कोल नहीं जाणा। सतनाम श्री वाहिगुरु। जे गुरु नालों नाई प्यारा लगता फिर तुहाडी मर्जी है, जे ते नाई प्यारा है गुरु नहीं प्यारा, कमाल की गल है, कहणगे बड़ा प्रेम है सतगुरां नाल। जे ते नाई प्यारा फिर ते जायो जरूर, कोई गल नहीं, पर जे गुरु नाल प्यार है फिर हुण नाई की दुकान ते नहीं जाना। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। मन्नियो भाई ये गल सची है, कईयां नूं दुख भी लगता है, पर मेरी बेनती है कि जे सुणांगे तां ही गल बणेगी, जे दवाई खावांगे ते तां ही इलाज होएगा। सो वीरां भरावां नूं सारिआं नूं बेनती है तुहाडे चरणां च कि दाड़ियां रखो सिंघ सजो। कल नूं अमृत छकण वास्ते नाम लिखाओ, अज भी लिखाओ, कल नूं शाम नूं 6 बजे अमृत का बाटा तैयार होना। 5 प्यारे गुरद्वारा परमेश्वर द्वार साहब वालों आने ने, किन्ना सफर भी है पर तुहाडे प्यार विच हाजरी भरदे हैं। सो अमृत छकण वास्ते नाम लिखाओ, शाम 6 बजे 5 ककार पा के जिहड़ा गुरद्वारा साहब है इत्थे नाल ही है गुरद्वारा साहब, बारले पासे पंडाल दे इत्थे नेड़े ही जिहड़ा गुरद्वारा है, उत्थे आप जी ने शाम नूं 6 बजे पहुंचण दी कृपालता करनी। जिन्हां जिन्हां ने अमृत छकना, वीर भरावां नूं, मातावां भैणां नूं, सब नूं बेनती है कि वध तों वध संगतां और समेत परिवार गुरु के जहाजे चढ़ दिओ, ते उहदे वर्गी तरी सी कोई नहीं। जे सारा परिवार छक ले ना उह बड़ी चंगी गल है, कई वारी इक छक लैंदा पर चलो, जे परिवार विच एक ने भी बीज बीजिया हो सकता हौली हौली अमृत छके वाला अरदासा करता रहे एक दिन सारा परिवार छक ले। कई इहो जिहने जिन्हां च एक भी गुरु वाला नहीं, सारा टब्बर ही गुरियां दा, एक भी गुरु वाला नहीं मिलता, एक दर्शन करन जोगा भी यह अमृतधारी नहीं भी सवेरे उठ के दर्शन ही कर लिए अमृतधारी सिंह, कोई नहीं मिलता। सारा सारा परिवार पर आनंद तां है जे सारा परिवार अमृत छके, फिर उस घर ओदे वर्गी तेरी ही सी नहीं कोई, स्वर्ग है वह घर सचखंड है। एक वो परिवार सी सिंह चलिया गया दवान च, वह आ गया अमृत छक के, पहला तो घर वाले भी कहिंदा अमृत छकन चली है, घर वाले कहिंदी मैं नहीं छकना तू कला छकिया, वह कहिंदा नहीं आपां दोवें छकने आ, कहिंदी नहीं जे छक लिया तो फिर लाया पाया नहीं जाना। फिक्र पै गया आके फिर वालियां लवा देणगे, कोके लवा देणगे, फिक्र पै गया। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਭਾਗਵਾਨ ਨੇ ਚੱਲੀਏ, ਬੜੇ ਤਰਲੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮੰਨੀ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਅਮਰ ਸਿੰਘ। ਛੱਕ ਆਇਆ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਛੱਕ ਕੇ ਆਈ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੱਕ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਨਾ ਛੱਕ ਕੇ ਆਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੱਕ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਛੱਕ ਕੇ ਆ ਮੈਂ ਤੋੜ ਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜੇਂਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੀ ਸਹੀ ਤੇਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ, ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਚ ਦਾ ਗਲਾਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੋੜ ਦਿਆਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਚਰਖੜੀਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ, ਉਹ ਦੇਗਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ, ਅਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੀ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਟੁੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਟੁੱਟਿਆਂ ਨੂੰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਛੱਕ ਕੇ ਆਈ ਮੈਂ ਤੋੜ ਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਝ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੱਕ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਦੀਵਾਨ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਛੱਕ ਆਇਆ ਜਾ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਕ ਕੇ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜੂ ਪਤਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਲੰਘ ਜਾਣਦੇ। ਉਹਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਚੂੰਡੀ ਵੜ ਦਿੱਤੀ, ਬੱਚਾ ਮਾਰੇ ਚੀਕਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਂਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਰੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਈ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾਨ ਤੋਂ ਡਰਦਾ।
उन्हें सोचा भी मुंडा तो चुकना ही है हम कृपाण चलो छड़ो पर फिर कृपाण तो की लैना मुंडा चुकना जरूरी है मुंडा चुक लिया मज मिलती नहीं सी अगे बेटा भाड़ा पा रहा आटा पा रहा वो बीबी भाड़ा पा रही है वह धार कढ़द सूई निकी दी लै ली उहदी तौण च मारिया करे सूई वह लत्त मारिया करे ये लत्त क्यों मार दी कहिंदे कशहरे तो डर दी बाबे थोड़े दिन लंघे हौली हौली करके सारे ककार लै गए थोड़े दिन पिछो बाबे आ गए कहिंदे पता लै चली अपने सिख का जे बूटा लाया तो पानी वेखीए मरिया के ठीक है फसल तो जे माली ने बीजी हो गेड़ा तो मारदा ही है वह गए पता लैण वास्ते जाके कहिंदे क्यों भी गुरमुखा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह कहिंदा बाबा जी इत्थे ते बुट्टी जी का खालसा बुट्टी जी की फतेह कहिंदा इत्थे ते इहदा ही खालसा चलदा पर उही हाल ना बन जे किते सारा परिवार छको फिर चढ़दी कला है सारा परिवार कला कला नहीं ते मन बनाओ सारे ये घर ये हाल साढ़े सारे घर च है एक किधरे फिरदा घर वाली अमृत छकी फिरदी घर वाला किसी होर पास वो नहीं गल बनती सारा परिवार अमृतधारी होवो फिर चढ़दी कला होगी अपनी सारिया का फर्ज है जिन्हें अमृत छकिया वो पांच पांच नूं होर प्रेरे पांच पांच चार चार नूं फिर महाराज की कृपा होनी है सो जिन्हां ने अमृत छकिया होया उन्हां नूं बेनती भाई कल नूं होर दो दो चार चार नूं प्रेरो बहुत वड्डा जे पंथ की सब तो वड्डी सेवा है वो ये है भी किसी टुट्टे नूं गुरु नाल जोड़ देना सब तो वड्डी सेवा पंथ की टुट्टे नूं गुरु नाल जोड़ देना ये है सो इस करके वेखो भी जि अपनी जिंदगी दे विच आपां कहिंदे आ फलाने ने इन्ने नूं सिखाया फलाने ने सौ नूं दो सौ नूं पांच सौ नूं ये वेखो भी असीं अपनी जिंदगी च कुछ कीता ते जे तुसीं पंज नूं अपनी जिंदगी च अमर सिखा दोगे तो समझ लो पंथ की बड़ी वड्डी सेवा करके चले महान सेवा करके चले हो जे अपनी जिंदगी च पंज नूं छकाओ छकावांगे तां जे खुद छकिया होएगा इस करके आपो अपने धर्मां च रहना पक्के हिंदू ने वह अपनी मर्यादा जिहड़ी उहनां दी जिहड़ो जनेऊ पाउणा तिलक लाउणा लाए लाउण ते जंजू पाउण इस्लाम वाले ने पढ़न नवाजां पंज ते जे अमृत जे सिखां दे घराने च जन्म लिया अमृत छक सिंह सज के गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे लड़ लगो यही आप जी दे चरणा विच बेनती है ये गुरु मान्यो ग्रंथ चेतना समागम और बड़ी उत्साह नाल बड़ी श्रद्धा नाल बड़े प्यार नाल संगतां इस समागम विच हाजरी भर रही ने हजारां की तादाद विच इकट्ठ ते अज भी बहुत है पर कल नूं लास्ट दीवान है ते इत्थे बेशुमार संगत होएगी ते कल नूं लास्ट दीवान ते पंज प्यारियां दे भी आपां दर्शन करांगे अमृत छका के आउणगे पंज प्यारे सतगुरां दा रूप ने सारी संगत ने कल नूं पहुंचना है होर संगतां नूं नाल लै के आउणा है और बैठना है जिथे बह के चौंकड़ा मार के फिर दो तीन घंटे आनंद मानना है विच विचाले उठ के जाण वाला हिसाब किताब ठीक नहीं सारी संगत ने महाराज स्वरूप जाणगे बाद च जाणा है जिथे इन्ना समा आपां बैठ के सुन लैंदे ना दो मिनट वास्ते काली लग जांदे कर काली नहीं करी दी सतगुरु अगे अगे जाणगे आपां सारे मगर मगर जावांगे पहला कोई जाण दी खिचला ना करे दूरों दूरों संगतां चल के आई हैं पढ़े उतारना जरा सारे बोलो खंड पाठ कराया ते सतगुरु खुश नहीं होने लंगर लाया ते रुमाले चढ़ाया ते पतासे चढ़ाया ते देगा कराया ते नहीं खुशी सब तो वध इसे गल च ओ केड़ी तेरे लंगर लाए प्रवान खंड पाठ प्रवान देगा प्रवान रुमाले प्रवान कदों जदों अमृत छके दसवें पिता दिया खुशियां दे Thank you.
बोलिया बोलो तो सही हो सकता कृपा हो जाए सतगुरु की बख्शिश रहमत का मेघ वरस जाए पढ़ो सा तुसी कहो कि अखां ते खुलियां ने होर गड़ियां खुलणियां ज्ञान रूपी नेत्र आ अखां नाल ते जग दिसदा ज्ञान दी अखां खुल गईयां फिर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे विचों रब दिसेगा पहला कुट भरे आखो Thank you.